स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बिना पंजीकरण लौटा दिए सैलानियों की 500 गाड़ियां, 37 को मिला प्रवेश। हिमाचल में बिना कर्फ्यू पास पंजीकरण करवाकर प्रवेश करने की अधिसूचना के 48 घंटे बाद बंद पर्यटन कारोबार शुरू होने की उम्मीद जग गई है। रविवार को छुट्टी के दिन सोलन के परमाणु बैरियर पर 1700 से ज़्यादा गाड़ियां पहुंच गई। इनमें 500 गाड़ियां पर्यटकों की थी। इनके पास ना तो वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट थी और ना ही पंजीकरण करवाया हुआ था। बिजली गिरने से 15 मिनट पहले अलर्ट करेगा दामिनी मोबाइल ऐप। दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन बिजली गिरने से पहले ही अलर्ट कर देगी। भारत के मौसम वैज्ञानिकों ने यह मोबाइल ऐप बनाई है, जो बिजली गिरने या वज्रपात होने से पहले ही 40 किलोमीटर के दायरे के भीतर हर 15 मिनट में अपडेट देगी। इससे आम लोग जान पाएंगे कि कहां पर बिजली गिर सकती है। प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड ने सेफ सीजन के लिए जुटाई लेबर। हिमाचल मार्केटिंग बोर्ड ने सेफ सीजन के लिए सैकड़ों लेबर जुटा ली है। शिमला और किन्नौर की मंडियों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था कर ली गई है। सेफ सीजन के लिए मंडियों में सेब की ढुलाई को प्रदेश के 3 जिलों बिलासपुर, चंबा और सिरमौर से यह लोकल लेबर उपलब्ध करवाई है। शिमला में होटल खोलने से पहले क्लस्टर स्तर पर होगी स्टाफ की ट्रेनिंग। राजधानी शिमला में होटलों को खोलने से पहले क्लस्टर स्तर पर होटल स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सरकार की ओर से होटलों के संचालन के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया का अध्ययन करने और इसे लागू करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने 3 सदस्य कमेटी गठित की है। दलाई लामा के 85वें जन्मदिन पर नहीं होगा समारोह, तिब्बती घरों में रहकर करेंगे लंबी उम्र की प्रार्थना। महामारी के बीच 14वें बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन पहली बार मैकलोडगंज में बिना किसी भव्य समारोह के मनाया जाएगा। खाई में गिरी जीप, 3 लोगों की मौत। हिमाचल के सिरमौर जिले में नैरीपुल सोलन मार्ग में शिलाबाग के समीप जीप खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस संबंध में एम्बुलेंस और पुलिस को सूचित कर दिया गया है। गांव लौटे बेरोजगार युवाओं को उनकी पसंद का दिया जाएगा व्यावसायिक प्रशिक्षण। लॉकडाउन के बीच नौकरी छोड़कर अपने गांव पहुंचे लोगों को सरकार उनकी पसंद का व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी। पहले चरण में 4 जिलों के 18 ब्लॉक में युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिन 4 जिलों में युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना है उसमें जिला मंडी, ऊना, सोलन और हमीरपुर जिला शामिल है। व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए अलग से ट्रेनर रखे जाने हैं। मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, घर भेजा युवक निकला कुछ ही घंटों में पॉजिटिव। जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के रोपा का रहने वाला 25 वर्षीय युवक हाल ही में अबू धाबी से लौटा था। यह युवक 29 जून को सुंदरनगर पहुंचा था। इसके बाद इसे होटल में रखा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार शाम विभाग ने पहले इसकी रिपोर्ट नेगेटिव बताकर घर भेज दिया था, लेकिन सोमवार को रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में LPG गैस कनेक्शन है। CM ने यह बात शिमला के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए यह बात कही। सावन माह शुरू, बिजली महादेव की नहीं हो सकेंगे दर्शन। कुल्लू में भी सावन का महीना शुरू हो गया है। महामारी के कारण सावन महीने में हर साल की तरह इस बार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होगी। वैश्विक महामारी के इस दौर में जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिजली महादेव के द्वार भक्तों के लिए अभी नहीं खुलेंगे। सावन महीने में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल बिजली महादेव के शिवलिंग के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। हिमाचल के स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा एक जैसी हो, शिक्षा बोर्ड कर रहा तैयारी। हालांकि प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं, फिर भी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा व बस्तमुख दिवस क्रियाकलाप में एक समानता लाना चाहता है। इसके लिए बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा की है। इसी तरह बोर्ड चाहता है कि पाठ्य पुस्तकें अधिक रुचिकर हों ताकि स्टूडेंट्स की उनमें रुचि बनी रहे। इसके लिए भी शिक्षाविदों तथा विषय विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। खाना खा रही पत्नी पर पति ने चलाई गोली, उपचार के दौरान महिला ने तोड़ा दम, पति गिरफ्तार। सोलन जिले के धर्मपुर में एक पति ने खाना खा रही पत्नी पर गोली दाग दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक महिला की पहचान शकुंतला देवी के रूप में हुई है। परवाणु के DSP योगेश रोल्टा ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 61 वर्षीय आरोपी मेहर सिंह को बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
शिमला के रिज पर फिर गूंजी घोड़ों के टापों की आवाज, बच्चे घुड़सवारी का आनंद ले रहे। शिमला के रिज मैदान पर एक बार फिर से खुशी, मस्ती और लोगों की आवाजों के बीच बच्चे घोड़ों पर घुड़सवारी करते दिख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब फिर से रिज मैदान पर लोग आने लगे हैं। लॉकडाउन लगने से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन और मौज मस्ती सब बंद हो गई थी। अब करीब 100 दिनों के बाद फिर से शिमला के रिज मैदान पर थोड़ी मस्ती करते और अपने बच्चों को घोड़ों पर सैर करवाते लोग दिखाई दे रहे हैं। कॉलेजों में प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं पर अभी विचार नहीं। हिमाचल के कॉलेजों में फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने को लेकर अभी कोई भी विचार नहीं है। प्रदेश में जब भी स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लिया जाएगा, इसको लेकर भी तभी विचार किया जाएगा। सोमवार को राज्य सचिवालय में बातचीत में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि फर्स्ट और सेकंड ईयर की परीक्षाओं को लेकर UGC से जारी होने वाली गाइडलाइन और हालात के आधार पर ही सरकार अंतिम फैसला लेगी। अभी कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षा करवाना विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता है। वेतन कटौती पर ACC के 220 मजदूर हड़ताल पर, कंपनी पर मनमर्जी के आरोप। बरमाणा में ACC सीमेंट कंपनी ने पैकिंग प्लांट में कार्य कर रहे सैकड़ों मजदूरों के वेतन में कटौती कर दी है। कंपनी की मनमानी का शिकार हुए 220 मजदूरों ने इसके विरोध में नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि जब तक बेज बोर्ड सेटलमेंट के अनुसार उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको ऐसी खबरें रोजाना मिले। जय हिंद।